जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वारो, मंगलवार का दिन 8 फरवरी, शुक्ल योग, भरणी नक्षत्र, मंगल और शुक्र का प्रभाव। आज तुला राशि वारों के लिए भरणी नक्षत्र का शुक्र मंगल आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बना रहा है। शुक्र और मंगल का प्रभाव है। आज शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में मंगल के साथ गोचर कर रहा है, जबकि आज आपकी कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है। आज आपकी कुंडली में शुक्र मंगल का प्रभाव, राहु की छाया, सूर्य चंद्रमा, बुध और शनि की दृष्टि है। आपकी कुंडली में शुक्र मंगल का मिलन एक साथ पराक्रम स्थान में होना, आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का उदय होना आज आपके जीवन में धन दौलत, समृद्धि और सुख है। आपके जीवन में शुक्र का प्रभाव बड़ा शुभ होगा। शुक्र के कारण ही आप जीवन में समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। शुक्र के कारण ही जीवन में उन्नति तरक्की पाएंगे। जबकि मंगल आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। मंगल आपके अंदर साहस और हिम्मत को बढ़ाएगा। आज चंद्रमा की दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न पर है। जब चंद्रमा की दृष्टि लग्न में पड़ता है तो आपके जीवन में सौभाग्य जागता है। आपके जीवन में तरक्की होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। आप अपने जीवन में अंतिम क्षण तक मेहनत करते हैं, जिससे आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। खुशहाल जीवन, ये जो समय है आपके लिए बड़ा सुख शांति समृद्धि को बढ़ाने वाला सुंदर समय है, क्योंकि आज आपके इरादे भी मजबूत और बुलंद हैं। आपके अंदर हिम्मत और साहस भी है। ऐसे में आपके भाग्य में समृद्धि सौभाग्य का योग बनता है। आपके भाग्य में लाभ और उन्नति होती है। मंगल की दृष्टि जब आपकी कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगा तो आप धन दौलत से परिपूर्ण होंगे, और चंद्रमा की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगा तो आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति करेंगे। आज आपके लिए जो समय है बड़ा सुंदर है। आपके मन में जो डर है, आपके मन में जो रह रहकर परेशानी है, जीवन की जो बाधा है, जीवन में जो रुकावटें हैं, उसे आज शनि दूर करेगा, क्योंकि शनि के साथ बुध का गोचर है। बुध आपके लिए भाग्य स्थान का स्वामी है। जो शनि के साथ आपकी कुंडली के सुख स्थान में बैठा है, जब भाग्य स्थान का स्वामी सुख स्थान में गोचर करता है तो आपके अंदर विश्वास जागृत होती है। आप अच्छे कर्म करते हैं, आपके जीवन में तरक्की होती है, और आपके जीवन में जो भी बाधा और कष्ट है वो दूर होता है। मन चाही सफलता मिलती है और मन चाहे तरीके से आप धन कमाते हैं। जब बुध की दृष्टि राहु पर पड़ती है उस समय आपके लिए समय बदलने वाला सुंदर योग बनता है, क्योंकि बुध जब राहु पर अपनी दृष्टि डालता है तो आपके बुरे चाहने वाले, जो लोग आपका बुराई चाहते हैं, उनका नाश होता है और आपके जीवन में बड़ा लाभ होता है। आज का जो समय है आपके लिए आनंद, सुख और धन को बढ़ाने वाला सुंदर समय है, क्योंकि धन धान से परिपूर्ण आज का दिन आपके लिए बड़ा सुंदर होगा। क्योंकि आज आपके लिए जो शनि है वो सुख स्थान में बैठा है, आपके लिए जो शुक्र है वो पराक्रम स्थान में बैठा है, और चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहा है। तुला राशि वालों,
आज ये भरनी नक्षत्र का शुक्र मंगल, राहु की छाया, सूर्य चंद्रमा, बुध और शनि की दृष्टि है, यानी आज अपने परिवार में अपमान सम्मान पाएंगे। आज ये मेहनत भी करेंगे, सफलता भी पाएंगे, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, आप धन कमाएंगे, सौंदर्य और सुख आपके जीवन में बढ़ेगा। ये समय आपके जीवन में बड़ा तरक्की उन्नति लेकर आता है, जो आपको यशस्वी बनाता है, आपके जीवन में धन देता है और आप जीवन के सुख और सुखों का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये जो समय है आपके लिए लाभ लेकर आता है, ये जो समय है आपके साहस हिम्मत को बढ़ाता है। तुला राशि वालों, आज आपकी कुंडली में जो शुक्र का प्रभाव है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि नक्षत्र का स्वामी शुक्र है, जो आपके जीवन में सुख धन को बढ़ाता है। आप जो प्रयास करते हैं आपके प्रयास सफल होते हैं, आगे बढ़ने का विश्वास, तरक्की और उन्नति देता है। तुला राशि वालों, बहुत दिनों के बाद आज आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का उदय हुआ है और आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में शुक्र मंगल के साथ गोचर कर रहा है। बहुत दिनों के बाद आपकी कुंडली में बुध शनि के साथ गोचर कर रहा है, जो आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा, जो आपके भाग्य को बदलेगा। आज ये समय और सुख दोनों आपका साथ देगा, यानी आपके जीवन में ये जो तरक्की उन्नति का योग बन रहा है आपके लिए बड़ा भाग्यशाली होगा। ऐसे योग में ही आपके जीवन में बड़े लाभ होंगे, बड़े सुख मिलेंगे। आज ये तुला राशि वालों के लिए जीवन में उन्नति तरक्की का जो समय है वो आपके भाग्य सौभाग्य को तेजी से बदलेगा। आज आपके लिए साहस और हिम्मत, अपने समस्याओं पर समाधान प्राप्त करना, प्रत्येक कार्य को मेहनत से करना और बड़ी उपलब्धि पाना। आज ये समय हर तरह से आपका साथ देगा, आपकी समस्याएं दूर होगी, आप जो मेहनत करेंगे उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। आज आप अपने प्रभाव से प्रभावित करेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में मान सम्मान के साथ आप धन कमाएंगे, वहीं आज आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगी। आज ये आपके लिए जो लाभ का योग है, उपलब्धि और तरक्की है, सब शुक्र के कारण प्राप्त होगा। शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। शुक्र जब कुंडली में शुभ होता है तो किस्मत का पूरा साथ मिलता है। शुक्र जब शुभ होता है तो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, आप भाग्यशाली होते हैं, किस्मत हर कदम पर साथ देता है, आपको सफलता मिलती है और आपके जीवन में बड़े बदलाव होते हैं, आप उत्तम परिणाम हासिल करते हैं, परिवार में माहौल अच्छा होता है, अच्छे नतीजे से आपके अंदर एक उमंग उत्साह पैदा होता है जो आपको बहुत दूर तक लेकर जाता है, मन प्रफुल्लित होता है, यानी नौकरी व्यापार में आप मेहनत से काम करते हैं, जबरदस्त लाभ मिलता है, घर परिवार में भी खुशियां बढ़ती है और आपके लिए समृद्धि सौभाग्य आज शुक्र के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि आज शुक्र भरनी नक्षत्र का स्वामी है, जो आपके जीवन में धन भी देता है, आपके जीवन में तरक्की उन्नति भी लेकर आता है। सूर्य चंद्रमा बुध शनि की दृष्टि है, यानी नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिससे आपके जीवन में बड़ा लाभ और तरक्की होती है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का राशिफल, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। आज 8 फरवरी मंगलवार का दिन, माघ मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शुक्ल योग भरनी नक्षत्र, शुक्र और मंगल के प्रभाव से आप प्रभावित हैं, राहु की छाया है, सूर्य चंद्रमा बुध और शनि की दृष्टि है, यानी आज का दिन आपकी कोशिश रंग लाएगी, आज का दिन आपके काम आपको आगे बढ़ाएंगे, आज का दिन अपने जीवन में समस्याओं का समाधान करेंगे और आज का दिन आपके लिए भाग्य में बड़े बदलाव लेकर आएगा। मनचाही सफलता के लिए, एक अलग पहचान बनाने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए,
अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए, धन कमाने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज का दिन सुंदर है, क्योंकि आज शुक्र आपके लिए सुंदर योग बना रहा है जो आपको सफलता देगा, जिसके बदौलत आपका जीवन सुंदर होगा, तरक्की प्राप्त होगी और आपके जीवन में सौभाग्य और समृद्धि बढ़ेगी, जिससे मेहनत आप करेंगे और अच्छा धन भी कमाएंगे। तो आज ये अपने जीवन में आप सुख शांति भी महसूस करेंगे, आनंद की अनुभूति होगी। तो तुला राशि वालों, आज आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, आज आपके लिए सारे कार्य आसानी से पूरे होंगे, मन में उत्साह और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। आज आपके लिए शुभ मुहूर्त 5:21 से 6:13, शुक्र के प्रभाव में दिन की शुरुआत होगी। दिन की शुरुआत बड़े बदलाव के साथ होगा, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में बैठा है। शुक्र आपके लग्न का स्वामी है, आपके जीवन में बेहतर योग बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कुछ नई उमंगों के साथ दिन की आप शुरुआत करेंगे, आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाएगा और आपकी सोच, आपका काम करने का ढंग तरक्की के नए रास्तों को खोलेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 से 12:57, जब सूर्य अपने प्रभाव से प्रभावित करेगा। सूर्य आपके लिए लाभ स्थान का स्वामी है, जो आज सुख स्थान में गोचर कर रहा है। सूर्य के कारण ही सुख सुविधा का आनंद लेंगे, सूर्य के कारण ही धन कमाएंगे और संपत्ति के मालिक बनेंगे। आज विजय मुहूर्त में 2:26 से 3:10 का समय, जब मंगल के प्रभाव से आप प्रभावित होंगे। ये समय धन दौलत को बढ़ाने वाला समय है, ये समय सफलता कामयाबी का योग बनाने वाला समय है, जो आपके जीवन में परेशानी को दूर करेगा, आपके जीवन में उन्नति और कार्य में सिद्धि लेकर आएगा। आज विजय मुहूर्त 2:26 से 3:10, विजय मुहूर्त में मंगल शुक्र का प्रभाव आपके कार्य को संपन्न करेगा, आपकी मन की चाहत को पूरा करेगा, आपके जीवन में लाभ का योग बनाएगा और जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। आज अमृत काल 4:10 से जब आरंभ होगा, तो अमृत काल में आप सुखों का भोग करेंगे, अमृत काल में आपकी प्रशंसा होगी, अमृत काल में आपका सोच जीवन को आगे बढ़ाएगा और आगे बढ़ने का विश्वास आपके जीवन में सफलता देगा। सर्वात सिद्धि योग 9:27 के बाद जीवन का संघर्ष खत्म होगा और जीवन की कठिनाइयां समाप्त होगी। आज का राहु काल 3:21 से 4:43, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। शुक्र मंगल का प्रभाव है, राहु की छाया है, सूर्य चंद्रमा बुध शनि की दृष्टि है, भरणी नक्षत्र अष्टमी तिथि मंगलवार का दिन है, उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 3 होगा। तो तुला राशि वालों, आज जीवन में सफलता हासिल करने के लिए, जीवन की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए आज का भरणी नक्षत्र शुक्र और मंगल का प्रभाव आपके लिए शुभ है। वहीं चंद्रमा का सप्तम भाव में उदय होना निश्चय ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन और सुख लेकर आएगा। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा, बड़ी तरक्की मिलेगी, सुख प्राप्त करने की चाहत पूरी होगी और आपके जीवन में उत्साह उमंग ज्यादा होगा। आज पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत करेंगे, तो आपके लिए समय और भी ज्यादा सुंदर और शुभ होगा। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।